नमस्ते, माय नेम इज़ रेनू ठाकुर। आज मैं आपको बॉटल पेंटिंग सिखाऊंगी। बॉटल पेंटिंग करने से पहले हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बॉटल में सबसे पहले जो स्टिकर्स लगे रहते हैं वो हम कैसे निकालें। उसके हमारे पास दो मेथड हैं। पहला कि अगर किसी आप गर्म पानी में डाल दें 10 या 15 मिनट के लिए, तो इजीली आप स्टिकर को रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी वॉर्म चीज़ के उसमें इसको अगर ढक के रखेंगे तो भी आप स्टिकर इजीली निकाल सकते हैं। बाकी हम इसमें फैब्रिक कलर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बेसिकली फैब्रिक कलर्स में शाइनिंग ज़्यादा रहती हैं, तो इसलिए हम लोग ये फैब्रिक कलर्स में यूज़ करेंगे। और जो जो कलर मुझे यूज़ करना है मैं पहले से ओपन करके रखा हुआ है। बाकी हम लोग इसमें फैट ब्लश यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं 12 या फिर 10 नंबर का यूज़ कर सकते हैं थिन, और फिर हम थिक ब्रश यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं बॉटल पेंटिंग। इसमें सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर्स करेंगे। बैकग्राउंड में हम लोग ब्राउन कलर ले रहे हैं और टॉप एरिया में हम लोग जो है ब्लैक कलर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी बॉटल में कलर करके रखा है क्योंकि इसको ड्राई होने में टाइम लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसमें ड्राइंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें जो है पहले से कलर करके रखा हुआ है, और देखिए इसमें कितनी शाइनिंग आ रही है। तो फैब्रिक कलर इसलिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, आपको बटरफ्लाई डिज़ाइन इसमें सबसे पहले करना है। 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2। हमने ये स्ट्रोक रिपीट करना है। तो हम लोग का राउंड पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आपको मिडिल में इसमें पॉइंट देना है। इसमें हम कुछ स्ट्रेट मधुबनी आर्ट की भी डालेंगे। ये हम लोगों का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। डिज़ाइन को करने के से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ट्री के पोर्शन की तरह हमने इसमें ब्रांचेस बनानी है। ये हमारी ब्रांचेस हैं। आप हैंड को जितना फ्रीली यूज़ करेंगे इस पे, ये आपका डिज़ाइन उतना अच्छा निकल के आएगा। सी, और एक बात का आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपने इसमें वाटर यूज़ नहीं करना है। अगर आप वाटर यूज़ करेंगे तो कभी भी आपका कलर्स निकल सकता है इसमें। तो ये हम लोगों का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हमने लेना है इसमें दो कलर, ग्रीन एंड येलो, ताकि हम इसमें लाइट ग्रीन कलर कर सकें। तो हम इसमें लीफ पोर्शन डालेंगे। सी, आपको थोड़ा थिक डालना है ताकि थोड़ा 3D इफेक्ट दे दे। आपको सारे पेटल्स ऐसे ही बनाने हैं थिक। सो ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। देखिए, ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी
फ्लावर में वर्क करेंगे। उसके लिए हम लोगों को इसमें लेना है येलो कलर, क्योंकि बैकग्राउंड में हम लोग कलर कर चुके हैं, तो इसमें आपको सिर्फ पॉइंट्स डालने हैं येलो के, ताकि वो थोड़ा मधुबनी लुक दे दे। तो देखिए आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पर्पल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि येलो और पर्पल का कॉम्बिनेशन आपस में बहुत सुंदर लगता है। तो ये हम लोग भी मधुबनी बॉटल की रेट तैयार है। आप चाहें तो इसके मैचिंग के लिए ऊपर पे पर्पल कलर का वर्क कर सकते हैं। और आपको मैचिंग इसमें करना है तो आप येलो कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसके मिडिल पोर्शन पे। ताकि आपका कॉम्बिनेशन नज़र आए। और आप इसमें लास्ट में वाइट कलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बॉटल तैयार है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने ये वीडियो ज्वाइन किया। होप सो आप इससे आइडिया लेके आगे भी और ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।